कर्क राशि अक्टूबर 2021 का सटीक राशिफल। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 क्या लेके आया है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, कर्क राशि में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं मंगलदेव, जो कि पूरा माह चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे, यानी कि चतुर्थ भाव में अस्त रहेंगे। साथ ही साथ सूर्य महाराज भी 15 तारीख के बाद यहां पर गोचर करने लगेंगे। अब मंगलदेव अस्त हैं जो कि कारक हैं, साथ ही साथ सूर्य महाराज ये संघर्ष के भाव में 15 दिन रहेंगे और 15 दिन के बाद ये नीच के हो जाएंगे। तो यह काफ़ी अशुभ संकेत है, इसको हम शुभ नहीं मानते हैं, क्योंकि जब कारक प्लैनेट अस्त हो जाएं या स्ट्रगल के भाव में चले जाएं, संघर्ष के भाव में चले जाएं या नीच के हो जाएं, तो ऐसे में दिक्कत अवश्य उत्पन्न हो जाती है। तो इस माह थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। वह सावधानी यह है कि पहली चीज़, छोटे भाई बहनों से अनबन हो सकती है। साथ ही साथ पूरा माह आप थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे, तो इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा थोड़ा अपनी माता श्री के स्वास्थ्य के प्रति भी आप सतर्क रहें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ऐसे योग यहाँ पर बने हुए हैं। बात करें अगर नौकरी करने वाले जातकों की, तो नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए माह अच्छा रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, आमदनी आपकी होती रहेगी। थोड़ा आपका स्वास्थ्य नरम हो सकता है, यदि हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है, आपको बीपी रहता है, कफ अस्थमा बनता है, इस तरीके की संभावना यदि आपके पहले से चली आ रही है तो वह बढ़ सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए पूरा माह सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा संतान से संबंधित यदि कोई आपको समस्या चल रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं। संतान से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी। इसके अलावा यदि आप शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी, यानी कि आमदनी के लिए पूरा माह बहुत शानदार है। आपकी इनकम होती रहेगी, आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं है, अगर आप व्यापारी हैं तो उसमें भी भारी मात्रा में इनकम आपको देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति लव करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, समय की चाल बहुत अच्छी है, आप इजहार कर सकते हैं। प्रेम में सफलता मिलने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। यदि अनबन चल रही थी तो यह माह पूरा बहुत अच्छा रहेगा, आप प्रयत्न करिए, सारे गिले शिकवे आप दूर कर सकते हो। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए समय उपयुक्त नहीं है, विद्या के क्षेत्र में बाधा आ सकती है, क्योंकि आपके बुद्धि पर शुक्र देव बैठे हैं, जिसके कारण से बुद्धि में भटकाव रह सकता है। तो आप संघर्ष थोड़ा अधिक करेंगे, मेहनत अधिक करेंगे, तभी आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल पाएगी। यात्राओं के लिए समय बहुत उत्तम है, यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो आपको प्रयास करना चाहिए, समय की चाल अनुकूल है, आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हो। यदि आप कोई ऐसे व्यापारी हो कि आपका काम एक्सपोर्ट का है, इम्पोर्ट का है, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के व्यापार में भारी मात्रा में लाभ देखने को मिलेगा, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप काम करें, परिवार की सलाह मशविरा लें, राय लें, उसके बाद काम करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। खाली स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार प्रतिदिन यदि आप जप करते हैं तो जो है आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आमदनी आपकी भारी मात्रा में होती रहेगी, लेकिन हो सकता है सेविंग ना हो पाए, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है या आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो सूर्य भगवान को अर्घ देना मत भूलिएगा, अर्घ जरूर दीजिएगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, तो आपके सभी काम बनते चले जाएंगे, और भगवान शिव का उपाय जरूर करिएगा।
यह माह ओवरऑल अगर देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। उपाय अवश्य करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं यथाशीघ्र रिप्लाई करूँगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे अगली राशि की चर्चा के साथ। नमस्कार।